अक्षु सुबह सुबह आई है हमारे घर मुझसे मिलने के लिए। आप मुझे मिस कर रही थी हाँ? मिस कर रही थी इसीलिए आई मिलने। ये फूल तोड़ लिया आप मेरे घर का, इतना सुंदर सा फूल क्यों तोड़ी? कौन तोड़ के दिया? दादी दादी फूल तोड़ के दी। हाँ तो ये फूल अब मैं रखूंगी, आपको नहीं दूंगी। आपको तो नहीं मिलेगा, आपको तो नहीं मिलेगा। आप आज स्कूल नहीं गई? नहीं। क्यों क्यों नहीं गई स्कूल? मैं तबीयत ठीक नहीं। बताओ मुझे। तबीयत ठीक नहीं। ओह माय गॉड, क्या हो गया? बुखार हो गया। बुखार हो गया? डॉक्टर के पास नहीं गई? गई थी। अब घर जा रही हो? इधर इधर देखो, इधर देखो, पहले इधर देखो। बाय कर दो। बाय बाय। एक पोएम सुना दो पहले सबको। अरे सुनो तो, एक पोएम सुना दो ना। हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। गाइस कैसे हो आप सब लोग? एंड आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और अपने अपने घरों में सेफ सुरक्षित हैं और मेरे ब्लॉग्स एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो गाइस कमेंट नहीं करते हो आप, कमेंट किया करो, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग देख रहे हो। सो अभी ना बज चुके हैं सुबह के 11 और लाइक मॉर्निंग का सारा काम हमारा हो गया, नहाना धोना, पूजा पाठ, खाना, ये वो दुनियादारी सारी चीज़ें हो गई। तो जस्ट अभी मैं फ्री हुई हूँ और अभी मैं लाइक सोच रही थी कि क्या करूँ, वीडियो वगैरह शूट करने का जैसा कुछ खास मन है नहीं, तो मैंने सोचा पहले के जो वीडियोज़ हैं वही सारे एडिट करके आपके साथ में शेयर करूँ। तो बस अभी थोड़ा सा बाहर आके बैठी थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था बाहर, बहुत सारे फ्लावर्स खिले हैं तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रोज़ेस भी खिलते हैं, उसके साथ में ये डहेलिया वाला फूल भी खिला हुआ है, तो लाइक ये भी बहुत ही प्यारा लगता है। और ये वाइट वाली सेवंती बोलते हैं हम लोग इसको, बेसिकली और क्या बोलते हैं इसको पता नहीं, लेकिन हम लोग तो यही बोलते हैं। और ये सारे पिंक वाले रोज़ेस भी खिले हैं यहाँ पे बहुत सारे, और ये ऑरेंज वाले रोज़ेस, और इसके साथ में ना और एक बड़ा ब्यूटीफुल सा रोज़ खिलता है हमारे घर पे, लाइक ये वाला आप देख सकते हैं, बड़ा प्यारा सा लगता है मुझे, कमल के फूल टाइप का होता है। और डहेलिया तो लाइक दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के खिले, एक ये वाला डहेलिया और एक वो वाला। और ये है हमारा कुआं जहाँ से हम पानी वगैरह लेते हैं, ठीक है। तो ये कुआं काफ़ी अच्छा है, इसमें पानी ना कभी भी नहीं सूखता है। और कुएं में अभी तो बहुत सारे कछुए भी हो गए, मछली भी हो गई है, और वो देख सकते हो आप डहेलिया पूरा कुएं में जाके खेल रहा है, ब्यूटीफुल लगता है काफ़ी ज़्यादा। तो गाइस मुझे ना आज आप लोगों से एक छोटा सा डिस्कशन करना था, ठीक है। लाइक ये बहुत बड़ी बात तो नहीं है, वो छोटी सी बात है, बट थोड़ा सा मायने रखती है ये चीज़ें मेरे लिए। और पहले मैंने सोचा कि आई डोंट थिंक सो कि मुझे इस टॉपिक पे बात करना चाहिए, बट नाउ आई फील कि मुझे इस टॉपिक पे बात करना चाहिए, ठीक है। तो गाइज़ जैसा कि आपको पता है कि मेरा एक ब्यूटी चैनल भी है जहाँ पर लाइक मैं बहुत सारे ब्यूटी रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ, और वो जो चैनल है वो मैं काफ़ी टाइम से उस पर वीडियोज़ डालती थी, बट अभी जो है ना उस पर मैं थोड़ा सा डीएक्टिव हो गई हूँ, ठीक भी क्या है ना कि उसके लिए थोड़ा उतना अच्छे तरीके से टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। और रही बात ब्लॉग्स की, तो ब्लॉग बनाना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और मेरे ब्लॉग्स बहुत सारे लोग पसंद भी करते हैं, इसलिए मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। और रही बात इंस्टाग्राम रील पे भी बहुत सारे वीडियोज़ में बनाती हूँ, तो लाइक बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, देखते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मेरे वीडियोज़ देखते हैं और उन्हें अच्छा भी लगता है, लेकिन उनकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है या नहीं है मुझे नहीं पता, बट ऐसे कमेंट्स और उसके साथ में लाइक ऐसी बातें होती है कि इसकी शादी हो गई है उसके बाद भी ये सिर्फ वीडियोस बनाने पे ध्यान देती है, घर के काम नहीं करती और वगैरह वगैरह और पता नहीं क्या क्या। तो गाइस सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप कौन होते हैं मुझे ये बताने वाले कि मैं घर का काम करूँगी या वीडियोज़ बनाऊँगी, सबसे पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि चलो ठीक है आप मेरे व्यूवर्स हैं तो डेफ़िनेटली मैं आपको बताऊंगी कि मैं घर के काम करती हूँ या वीडियोस बनाती हूँ। किसी के भी घर में कितना काम होता है, सुबह शाम काम होता है, दोपहर को इंसान फ्री होता है, और घर के जो काम होते हैं वो होती है हमारी जिम्मेदारियाँ, उसको तो हमें करना ही है, उसके साथ में हमारे कुछ शौक भी होते हैं। तो ये जो वीडियोस मैं बनाती हूँ वो मेरा शौक है, इसलिए मैं घर के कामों से फ्री हो जाती हूँ जल्दी, फटाफट से काम निपटा लेती हूँ, सारे काम मैं फटाफट कर लेती हूँ ताकि मुझे वीडियोस बनाने के लिए टाइम मिल जाए, ठीक है। तो गाइज़ मैं घर के काम करती हूँ या नहीं करती हूँ ये आपका मैटर नहीं है, बट फिर भी लाइक आपने पूछा है, आप मेरे व्यूवर्स हैं तो डेफिनेटली मुझे आपका आंसर देना बनता है।
तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, चाहे आप मायके में रहो, चाहे आप ससुराल में रहो, चाहे आप फैमिली के साथ रहो, चाहे आप अकेले रहो, लेकिन नॉर्मली जो घर का काम होता है, खाना बनाना, झाड़ू पोछा, बर्तन और थोड़ी बहुत जो भी काम होता है ना, वो तो आपको करना ही पड़ता है चाहे आप कैसे भी रहो। तो जब मैं मायके में थी तब भी मैं काम करती थी और तब भी मैं वीडियोज़ बनाती थी। मैं इस तरीके से काम करती थी कि मैं अपने वीडियोज़ के लिए टाइम निकाल लूँ, और अभी मैं ससुराल में हूँ तब भी मैं इस तरीके से काम करती हूँ कि मेरा जो काम है वीडियोस बनाना, मेरा शौक है, तो इस पे इफ़ेक्ट ना पड़े तो मैं कैसे ना कैसे करके टाइम निकाल लेती हूँ, इसलिए मैं वीडियोस बना लेती हूँ। तो जो लोग ये सोचते हैं कि ससुराल में मैं काम नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ वीडियोस बनाती हूँ और लाइक जो भी सोचते हैं, तो ये थोड़ा सा आप गलत सोच रहे हैं, ठीक है। तो लाइक अब ऐसा तो है नहीं कि मैं आपके साथ में 10 मिनट का व्लॉग शेयर करती हूँ, 10 से 15 मिनट का व्लॉग शेयर करती हूँ। तो गाइज़ 10 से 15 मिनट पे मैं आपको क्या ही दिखा दूँगी कि मैं अपने घर के क्या क्या काम कर रही हूँ, और अगर रोज़ मैं आपको वही चीज़ें दिखाऊँगी, झाड़ू पोछा बर्तन खाना ये वो, तो आप भी बोर हो जाओगे, आप भी यही कहोगे कि यार क्या है ये, रोज़ झाड़ू पोछा बर्तन ही दिखाती है। तो कभी कभी वो चीज़ों के साथ साथ कुछ डिफरेंट चीज़ें भी दिखा देते हैं, हम कहीं घूमने फिरने चले गए तो ये सारी चीज़ें हम आपको दिखा देते हैं। बट अगर आप ऐसा सोचते हो कि घर के काम नहीं करते सिर्फ वीडियोस बनाते, तो ऐसा नहीं है गाइस। लाइक अगर आपको इतना ही पर्सनल लग रहा है कि नहीं भाई हम तो बस वीडियो ही बनाते हैं, तो डेफिनेटली आप आइए, हमारे घर वेलकम है आपका, और आके मेरे जो इन लॉज हैं, मेरे सास ससुर और बाकी लोग हैं, तो उनसे मेरा रिव्यू ज़रूर लीजिएगा कि मैं क्या करती हूँ और क्या नहीं करती हूँ। तो गाइस ऐसा है कि वीडियोज़ हमारा शौक है, तो उसको हम कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे काम का बोझ कितना भी आ जाए, तो उसको तो साथ पे लेके चलना है। चीज़ों को इस तरीके से हम बैलेंस करके चलते हैं कि ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, और सब हो जाए, बस हो जाए, बस कैसे भी रहो, खुश रहो और दूसरों को खुश रहने दो। लाइक आप तो आते हो ऐसे कॉमेंट करके चले जाते हो आपका क्या है, लेकिन हम लोगों पे इफ़ेक्ट पड़ता है, खैर मुझ पे नहीं पड़ता है बातों का ज़्यादा इफ़ेक्ट, लेकिन मुझसे जुड़े और भी बहुत सारे लोग हैं तो उन पे भी उस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ता है आपके कमेंट्स का, ठीक है। तो डेफिनेटली एक बार लाइक इस तरीके का कमेंट करने से पहले ना डेफिनेटली ये चीज़ें सोचा करो कि हम जो वीडियोज़ बनाते हैं उसके पीछे हमारी कितनी मेहनत होती है, और मेहनत के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि लाइक बस होती है। तो ये वाली चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखा करो, और मेरे वीडियोस अगर आपको अच्छे नहीं लगते हैं तो डेफिनेटली मुझे बताया करो कि आपको किस टाइप के वीडियोस पसंद आएंगे। उसके बाद भी अगर आपको अच्छे नहीं लगते हैं तो गाइस यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, डेफिनेटली आप जाइए चेकआउट करिए, देखिए क्या ज़रूरत है मेरे चैनल पर आने की, है ना। और बाकी तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं ही, मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे प्यारे प्यारे कॉमेंट्स करते हैं, उसके साथ में लाइक उनको मेरे वीडियोज़ बहुत अच्छे लगते हैं। ये है कवाच बोलते हैं हम इसको, तो आज शाम को हमारे घर बनने वाली है, इसकी सब्जी बहुत ही सुपर टेस्टी बनती है, ऐसे खाएंगे तो देखो। ये कवाच की सब्जी, ये बैठी है मौसी जी, अब बोला हाय। हो गया लंच टाइम और बच्चों के दोपहर के दो, तो हम लोग जा रहे हैं लंच करने के लिए। मैं वेट कर रही थी इनका ही आएंगे तो फिर खाएंगे हम, और भैया खा रहे हैं यहाँ बैठ के सूखा चावल विथ सब्जी विथ नमकीन, आकाश रतलामी नमकीन खा रहे हैं हम लोग, बहुत सुपर टेस्टी है, आप भी ट्राई कर सकते हो। तो उधर ही तो रखे हैं, बैठा हो दीदी चाय पी के जइहा। मैं चाय नहीं पीऊंगी, जा रही हूं। कहे ना पीबो। अच्छा अभी चाय नहीं, वो सब्जी बनाओ खा के जाएंगे, किसी को लाइक करने का मन होता है करो ना, तो मैं कहा कल्याण भाई की फोटो खींच रही है देख लो। स्कूल थे मोबाइल लेते रहते, सभी ना बच चुके हैं शाम के 5, और लाइक मैं जा रही हूँ शाम का काम करने के लिए, बर्तन वगैरह धोना था, और अभी पापा भी आ गए स्कूल से, तो फिलहाल तो जा रही हूँ चाय बनाने। यहाँ पर देख रहे हैं बकुला, ठीक है, हमारे घर के पास में ना पेड़ पे बहुत सारे बकुले आए हैं, अभी देखा मैंने, एक बम फोड़ा तो वहाँ पर बहुत सारे बकुले उड़े हैं, तो मैं दिखाती हूँ आपको।
आज का सब्जी लिटरली गाइस बहुत टेस्टी बनती है इसकी सब्जी। निकाल रही हूँ पापा। भैया खाना खाने आ जाओ, आ जाओ खाना खाने। माँ सो गए, नींद आ रहा है, हैं? सो जाओ। ऐसे कैसे सो जाओ, चलो खाना खाने चलो। आ गया नवीन? हाँ आ गए। ठीक है, फेस वॉश करने के बाद ना स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लगती है और ऐसा फील होता है कि लाइक हमारी स्किन ना बहुत हैप्पी सी फील कर रही है। इतनी ठंड में फेस वॉश करना लाइक एक बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है, और मैंने फाइनली किया है। ऑल टाइम फेवरेट वाला निविया मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ अपने फेस पे, बहुत ही अच्छा ग्लो देता है लिटरली। लाइक काफ़ी टाइम से ना मैं यही वाला मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ, पिछले 4 सालों से, ठीक है, और मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि इसके बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। Literally, I really love it. बस लिप्स मॉइस्चराइज करने के लिए यहाँ पर बोरो प्लस का यूज़ कर रही हूँ मैं। वैसे तो बायोटिक का लिप बाम यूज़ करती हूँ, बट अभी यही लगा रही हूँ। सो माई स्किन केयर इज डन। सो गाइज अगर आपको ना और भी लाइक बहुत सारे ब्यूटी टिप्स देखने हैं स्किन से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड, और भी लाइक बहुत सारे ब्यूटी टिप्स, तो डेफिनेटली चेकआउट माई ब्यूटी चैनल जिसका नाम है नेचुरल ब्यूटी विथ KV, और इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कॉमेंट पिन में भी मिल जाएगा। तो डेफिनेटली चेकआउट माई ब्यूटी चैनल गाइज, वहाँ पर ना आपके साथ में शेयर करती हूँ बहुत सारे ब्यूटी टिप्स लाइक स्किन से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड, और भी लाइक बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो डेफिनेटली चेकआउट माई ब्यूटी चैनल गाइज। हमारा खाना पीना, बर्तन धोना और किचन वगैरह सारी चीज़ें हो गई ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अब लाइक सारा काम फिनिश हो चुका है, तो अब मैं जाऊँगी थोड़ी सी वीडियो की एडिटिंग वगैरह करूँगी, उसके बाद मैं आराम से सो जाऊँगी। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, एंड आई होप कि आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं ना, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और उसके साथ में ना कमेंट भी किया करिए, और लाइक पीछे वाले ब्लॉग्स भी आप मेरे इन्जॉय कर सकते हो। अभी मैंने रिसेंटली बहुत सारे आपके साथ में फेस्टिवल्स वाले ब्लॉग शेयर किए, तो डेफिनेटली चेकआउट। एंड मैं मिलूंगी आपसे मेरे एक और ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, खुद का ध्यान रखिए, खुद से प्यार करिए। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।